पी के ऑफिस में शेख बशीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटीज मोर्चे के और शाह साहब, इन्होंने यहाँ आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था लोगों से मिलाने का। मैं यहाँ निजी दौरे पर आया था, मेरा ताल्लुक़ सेंट्रल वर्क काउंसिल से है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के तहत आता है। मैं यहाँ से दिल्ली से आया था और विष्णु देवी के दर्शन करने के लिए। विष्णु देवी के दर्शन करने का मकसद मेरा एक ही था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत सारी जगहों पर खाई है, उस खाई को दूर करने के लिए भाईचारा और प्रेम सद्भावना बढ़े, इसके लिए मैंने ये कोशिश की है कि मुसलमान मंदिरों में जाएं और हिंदुओं के कल्चर को समझें, मंदिरों के अंदर क्या होता है, किस तरह से पूजा आराधना होती है, और हिंदू भाई मस्जिदों में आएं, देखें वो किस तरह से मुसलमान इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जब हम एक दूसरे के मज़हब को, धर्म को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, तो हम एक दूसरे के करीब आएंगे। आस्था सबकी अपनी अपनी होती है, हर धर्म बहुत ऊंचा है। हम एक दूसरे के धर्म की इज्जत करेंगे तो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जागेगा, मोहब्बत जागेगी। किसी हद तक हमने कोशिश करी है कि हम अपने भाइयों को इसके लिए तैयार करें और हमने इसकी शुरुआत की। बहुत अच्छी तरह से हमारे भाइयों ने, हमारा हिंदू भाइयों ने हमारा वहाँ इस्तकबाल किया, इज्जत दी हमें, बहुत अच्छी तरह से हमें विष्णु देवी के दर्शन कराए। वहाँ से आने के बाद शेख बशीर साहब ने हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलवाने का प्रोग्राम बनाया आज, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखा मैंने, शेख बशीर साहब की मेहनत और देखी हमने कि पूरे कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से भी ज़्यादा, मतलब छोटे छोटे से गांवों से भी लोग यहाँ आए, और इनका हौसला बढ़ाने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। हम शेख बशीर साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बीजेपी की टीम को इतना मजबूत बनाया, और इनकी टीम को भी मुबारकबाद देते हैं जो बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही है। माइनॉरिटीज मोर्चे के साथ साथ बीजेपी की जो टीम है, पूरी टीम कोशिश कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, लोगों के दिलों में प्रेम सद्भावना का संदेश पहुंचा रही है, और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूर बनेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे लोगों में जो हमारे मेजॉरिटी के अंदर हैं, कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी के लोगों को आगे बढ़ना होगा, उनकी मदद करनी होगी। गुस्सा एक ऐसा होता है कि गुस्सा कहीं पर भी किसी के ऊपर भी उतर जाता है कहीं पर। मेजॉरिटी के लोग अगर माइनॉरिटीज़ के लोगों की इज्जत करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे, तो ये क्लिक रुक जाएगी। हम पूरे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ के अंदर हैं, ये श्रीनगर कश्मीर के लोगों को समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, अगर वो हिंदू जो मेजॉरिटी में हैं, हम मुसलमानों के साथ में अगर इस तरह का सलूक करेंगे, तो हम जो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी हिफाजत कैसे होगी। उनकी हिफाजत करने के लिए हमें मेजॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो ही किलिंग रुकेगी। जिन लोगों ने भी अगर किसी इंसान को मारा है और आतंकवादियों को साथ दिया है, वो आतंकवादी हैं, वो इंसान नहीं, वैसी दरिंदे हैं जो इंसानों का खून बहाते हैं। हमारे इस भारत के अंदर तो किसी जानवर का भी खून बहाना जो है वो पाप समझा जाता है। ये धरती वो धरती है, इस धरती पे इंसानों को मारा जा रहा, तो वो तो वैसी दरिंदों से भी ज़्यादा दरिंदे हैं। उनको ऐसी सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, जो उनको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उनको भी वो सज़ाएँ मिलनी चाहिए।
जो एक वैश्य दरिंदे को मिलती है।